तुम लोग देखना, आज मैं मिसेस कमाल को जला के भुना के राख कर दूंगी। हेलो मिसेस कमाल, आज मैं बहुत खुश हूँ। हैं? इसे कैसे पता चला कि हाशिम जी घर पे नहीं है? अरे बेटी, अभी तुमने तो कहा है कि तुम आज बहुत खुश हो। अच्छा हाँ, वो मैं कह रही थी कि हाशिम जी तो दुबई गए हैं। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड शॉपिंग करने दुबई गए? हाशिम जी भी ना शॉपिंग करने दुबई गए। वो हमने कुछ मंगवाना हो ना घर के लिए, तो वो भी हम दुबई से मंगवाते हैं। हद हो गई कि दही भल्ले भी हम दुबई से ही मंगवाते हैं हाशिम जी को भेज के। दुबई चो? हाँ हाँ, मेरे हाशिम जी जब भी दुबई जाते हैं ना, तो हमारे लिए सोने की चीजें जरूर लाते हैं, जैसे जैसे पिलोज, बेडशीट वगैरह। हाँ 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 हाँ, दिखाऊंगी तुम्हें जरूर। ओके बाय। लेकिन बेहतरीन, हाशिम भाई तो दफ्तर के काम के लिए इस्लामाबाद गए हैं। अरे जोरा, जब ये सोचो हाशिम जी इस्लामाबाद से हमारे लिए लाएंगे क्या क्या। मामा, लगता है पापा आ गए, लेकिन उन्होंने बेल कैसे बजाई होगी? क्या मतलब? क्योंकि उनके दोनों हाथों में तो हमारे लिए बेतहाशा गिफ्ट्स होंगे, लगता है पाँव से बजा रहे। ओहो पप्पू, चलो चल के देखते हैं। आप लोग मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं क्या? नहीं पापा, हम लोग तो गिफ्ट के। चुप करो, उठाओ सामान, भारी हो रहा होगा गिफ्ट की वजह से। हे मामा, इसमें कपड़े हैं। थैंक यू हाशिम जी, आप सिर्फ मेरे लिए कपड़े लेकर आए? जी, धोने के लिए, जो पहन के गया था और लेके गया था वो कपड़े। हाशिम भाई, कुछ सोने का? हाँ, मेरा सोने का इरादा है, लाओ। नहीं नहीं पापा, आप थके होंगे ना, तो ये बैग हम खुद ही पहुँचा देंगे।